व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:30 एंड आज मैंने सोचा कि चलो मोटर ब्लॉग किया जाए। काफी टाइम हो गया था, लास्ट राइड संडे को किया था। बात ऐसे है कि अभी टाइम बहुत कम है, जल्दी अंधेरा हो जाएगा। मैंने सोचा है कि ड्रोन को फ्लाई करूंगा आज। सो देखते हैं, नियर बाई गणेश्वर है, मैं वहीं का प्लान कर रहा हूँ कि जल्दी से जाके आ जाऊँ और आपको वहाँ की ब्यूटी भी एक बार दिखा देता हूँ। बहुत ही अल्टीमेट प्लेस है। तो इससे पहले कि अंधेरा हो तो फटफट निकलता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस हेलमेट में मैंने नया माइक सेटअप किया है, नेक्स्ट ब्लॉग इसी के ऊपर रहेगा। ये टेस्टिंग है, अगर सक्सेस हो गया। अभी जो ये वाला माइक है, ये कुछ मियोनो समथिंग कंपनी है, जो भी रहेगी मैं आपको फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। ये सस्ता माइक था, उस टाइम पे डील आ रही थी, तो 600 रुपये में मैंने दो माइक लिए थे। तो ये ठीक है, काम चलता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ कि आवाज़ पहले फटेगी और उसके बाद धीरे धीरे जो 2-4 वर्ड्स के बाद प्रॉपर जो है ये हेयरिंग लेता है, तो ये इशू हो गया है। तो अभी चलते हैं और ये NMMC में पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से लूँगा राइट, न्यू रूट जो है उलवे वाला वो फॉलो करेंगे और जाएंगे पनवेल। अच्छा, आपको जो है मैं बता देता हूँ, मुंबई में मॉनसून हिट कर गया है और लास्ट संडे राइड में भी देखा था आपने हल्की सी बूंदाबांदी, बट अभी जो है अच्छी खासी बारिश हो रही है रात में। तो आज संडे, आज तो होना ही है। मॉर्निंग से बारिश लगी हुई थी, मैंने सोचा कि लोनावाला का चक्कर मारूंगा, मॉर्निंग से ही प्लान कर रहा था मैं, बट ये हो नहीं पाया। बाकी क्लाउड्स देख सकते हो, बहुत ही अल्टीमेट वेदर हो गया है। ये है लोनावाला का भी करेंगे प्लान। कलावंतीन दुर्ग ट्रैक करने के लिए तो यही वो जंक्शन है, यहाँ से आपको अंदर आना पड़ेगा। मैं हवा भरवाने के लिए गया था, वहाँ से आया था। तो ऐसे जाना है आपको प्रवलगढ़ और कलावंतीन दुर्ग के लिए, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ गणेश्वर, ऐतिहासिक मंदिर है, तो आप वन टाइम विज़िट कर सकते हो। सो ये देख सकते हो, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है और बिल्डिंगें यहाँ पे भी खड़ी कर दी, तो ये पक्का यहाँ से पहाड़ वहाड़ तोड़ा होगा। एनीवे, वो देखो एकदम वो पीक दिख रही है ना आपको, वो है कलावंतीन दुर्ग, और सामने वाला बहुत लंबा पहाड़ है, ये है प्रबलगढ़। चलो भैया, अब तो ये फाइनल जब ब्लॉग एडिट करूँगा तभी समझेगा कि ब्लॉग में वॉइस कैसा आया है। तो हाँ, ये गया है कलावंतीन दुर्ग के लिए, तो आप ये रास्ता देख लेना, और ये जा रहे हैं हम लोग गणेश्वर, हम लोग मतलब आप और मैं। सो ये देखो यार, अब ये खेत वेत सब कट गए हैं ना, तो सामने पहाड़ की लोकेशन कैसे ऐसे लग रहा है, एक बहुत बड़ा कैनवस है, वॉल है बहुत बड़ी, और यहाँ पे आप पेंट कर सकते हो। तो कुदरत ने तो पेंट कर ही दिया है, बाकी अभी मानसून आया है तो कुछ टाइम के बाद और ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो ये बात है, ये एक्चुअली जो हेलमेट है ये है दिव्या का हेलमेट, इसमें मैं लगाने वाला हूँ। एक और वाइज़र बाय करना पड़ेगा, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अब मुझे समझ आ रहा है कि वेदर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, मतलब कुछ भी होता है, कभी भी चेंज होता रहता है, मतलब अपने मूड के हिसाब से। सो वहाँ के लिए मेरे को जो है एंटी फॉग लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक और वाइज़र ख़रीदना पड़ेगा। तो देखूंगा, मर्क्यूरी वाला ले लूँगा और उसके ऊपर एंटी फॉग ले लूँगा। एंटी फॉग एक्चुअली MT हेलमेट्स का काफ़ी महंगा है, कुछ 2400 समथिंग कुछ ऐसा है। ये क्या हो गया भाई, अरे लड़ो मत यार क्या। लेकिन ये एक बंदा अजीब है यार, किधर बीच में घुसेड़ दिया इस भाई साहब ने, मानना पड़ेगा ये है हैवी ड्राइवर। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। अच्छा, ये एक लोकेशन है, एक पॉइंट है यार, पानी पूरा ही खत्म हो गया, मतलब मजा ही नहीं आएगा। ये आप देख सकते हो, वाह। तो ये पब्लिक जो है इस पॉइंट का एंजॉय करते हुए, ये पूरा ही पानी से भरा रहता है। अभी आप देखो, एक पानी की बूंद तक नहीं है यहाँ पे। अभी मॉनसून में ये फिर से भरेगा और टिल मार्च तक जो है आपको अच्छे से फ्लो दिखेगा पानी का।
यहाँ तक इन कारों के पास पानी था यार। सो ये ब्यूटी देख सकते हो, एक बार पूरा मैं घूम के एंगल दिखा देता हूँ आपको। तो ये पहाड़ियाँ ऐसे करते करते ये पीछे है जो कि प्रबलगढ़ और जिस कलावंतिन दुर्ग की बात की थी मैंने आपसे। सो ये बात है, अभी यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं। तो ड्रोन तो उड़ाया, अभी कैसा आया रहेगा, फर्स्ट टाइम है, डर भी लग रहा था, तो जैसे भी था मैंने उड़ा तो दिया। और ये देखो सामने कितनी ज़बरदस्त फॉग गिरी हुई है। तो मैंने जो है हेलमेट पे टाइम लैप्स लगा दिया है। सामने का ये वाला व्यू जो है, थोड़ा सा एंगल ऊपर उठा देता हूँ सो देट अच्छे से व्यू आए। एंड 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 आप देख सकते हो, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। सो चलो अभी टाइम लैप्स का एंजॉय करो ये सामने वाली पीक का। सो 1 2 एंड 3।